गुजरात में सरदार पटेल पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालतम प्रतिमा लगवाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी, अगर इनको सत्ता मिल जाए तो इनके घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है उसके बारे में मैं अगर कहूं, कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ। मोदी जी तो देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले, समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेसियों को, इन सपाइयों को, इन बसपाइयों को अगर अवसर मिल जाए तो सरदार पटेल जी से भी ऊंची प्रतिमा ये अफजल गुरु की लगवा देने का काम करते हैं। कोई आश्चर्य मत करना, क्योंकि इसलिए यहां जहां से श्री अखिलेश यादव जी लड़ने के लिए गए हैं, कैसा बेटा है आप कल्पना करो, अपने पिता के अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली। और जहां से सांसद थे मुलायम सिंह यादव जी, वहां उनकी सीट भी छीन ली। लोकसभा के अंतिम दिन, सत्र के अंतिम दिन, मुलायम सिंह जी ने यह नहीं कहा था कि अखिलेश यादव मेरा प्रधानमंत्री बन जाए, उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। क्यों कहना पड़ा, इसका उदाहरण मुझे देने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत समझदार। जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, वो नकली बुआ का होगा क्या, हो सकता है क्या? जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या हो सकता है? इसे मेरे भाइयों बहनों, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, जल्दी जाना यार। वो तो जब 23 तारीख को सपा बसपा गई का समाचार मिलेगा तब उनको पता चलेगा। जिस प्रकार से 2014 में जीरो मिला था बसपा को और गुंडागर्दी के बल पर शासन तंत्र का दुरुपयोग करके 4 सीटें जीत लिए थे, इस बार सपा बसपा का और कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। जो चौकीदार से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ना हिंदुस्तान सह सकता है, ना भाजपा सह सकती है, ना देश की जनता सह सकती है। और माताओं बहनों का अपमान करने वाले मोहम्मद आजम खां के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्रवाई करते हुए देश की जनता से क्षमा मांगना चाहिए। और मुझे आश्चर्य है कि एक महिला होकर के स्वयं मायावती जी ने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग मोहम्मद आजम खां के द्वारा किया गया है और उनके मुख से भी एक शब्द नहीं निकला, मुझे आश्चर्य। अखिलेश यादव